हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रजा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल द रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास पैनासोनिक का टॉप लोड वॉशिंग मशीन है और उसमें H01 करके एरर शो हो रहा है, तो H01 एरर क्यों आता है और इसको कैसे आप दूर कर सकते हैं अपने घर पे, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल द रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो होगी आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है फ्रिज ऐसी वॉशिंग मशीन कुछ दिक्कत है आपको, मुझसे कुछ सजेशन चाहिए, मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए, उसमें मुझे फॉलो करके मैसेज कर दिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे पैनासोनिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन में H01 करके एरर शो हो रहा है गाइस, तो वो प्रेशर सेंसर का फॉल्ट है। प्रेशर सेंसर को आप चेक कर लीजिए, हो सकता है कि चूहे ने उसे ब्रेक कर दिया हो या फिर उसका कनेक्टर जो है लूज कनेक्शन हो गया। खोल के आप देख लीजिए और चेक करिए, अगर चूहे ने वायर ब्रेक किया है तो आप इसको जोड़ के रिपेयर करके चला सकते हैं, तो H01 एरर हट जाएगा। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अगर इससे भी नहीं हो रहा तो आप प्रेशर सेंसर स्विच को आप एक बार चेक कर लीजिए डायरेक्ट उसमें सप्लाई देके, तो अगर वो काम करेगा तो ठीक है, काम कर रहा है तो ठीक है, लेकिन उसमें देख लीजिए पीसीबी उसमें सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर पीसीबी सप्लाई दे रहा है तो आपका प्रेशर स्विच आपको चेंज करना पड़ेगा, और पीसीबी सप्लाई नहीं दे रहा है और डायरेक्ट आप सेंसर को प्रेशर वॉल को अगर आप चेक कर रहे हैं और ठीक काम कर रहा है तो आप एक बार पीसीबी की सप्लाई देख लीजिए। अगर पीसीबी सप्लाई नहीं दे रहा है तो आपको पीसीबी पावर सर्किट बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। पावर सर्किट बोर्ड चेंज करने के बाद ये H01 वाला एरर जो है वो पूरी तरीके से हट जाएगा। सो गाइस, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कर दें।